नमस्कार दोस्तों, मैं भारत बघेल आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर और कानपुर यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैन्यूर फर्टिलाइज़र एंड सोयल फर्टिलिटी यानी कि खाद उर्वरक एवं मृदा उर्वरता प्रबंध। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको परीक्षा में काम आ जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं टाइम देखते हुए। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन इस वाले वीडियो में हमारे क्वेश्चन है करीब करीब 140 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, मैं और मेरे दो अपने भाई गौरव दिनकर। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 140 हिसाब से अभी हम दे रहे हैं, हमने 2000 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, हम आपको वीडियोस के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लिए, 2000 क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, इनमें से ही फंस जाएंगे आप। ओके, पहला क्वेश्चन, पौधों में आयनों का आकार स्थानांतरण किसे होकर होता है, किससे होकर होता है, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में सफ़ेद काजिया यानी कि वाइट बर्ड व्याधि किसकी कमी के कारण होती है, किसकी, जिंक की कमी से होती है। नेक्स्ट, पौधों में शीघ्र प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि किस तत्व के कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस बार थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। ओके, देखते चलिए, मृदा में जैव कार्बन का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, किस तरह, वाकले एवं ब्लैक रैपिड, क्या है, वाकले एवं ब्लैक रैपिड ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मृदा में सुलभ फास्फोरस का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, ओल्सन विधि से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मृदा में सुलभ नाइट्रोजन का निर्धारण किस विधि से किया जाता है, सुलभ नाइट्रोजन किसे, सारीय परमैंगनेट विधि। आते हैं नेक्स्ट पे, मृदा में जल का पीएच मान 7 है, उसे कौन सा, क्या लिखा है, कौन सा जल देना है, आर्द्रता ग्राही। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मृदा जल की पीएच मान 2.5 से 0 है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका जल। नेक्स्ट देखेंगे, कैल्साइट कोलोमाइट और होने में ब्लैक में खनिज होता है, कितना क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्ले मृदा का कण घनत्व होता है, कितना होता है, 1.6 से 2.1। क्ले मृदा का कण आकार क्या होता है, 0 से 0.02 से कम। और निम्नलिखित में से कौन से मृदा वर्ग में रंध्रावकाश अधिक होता है, किसमें होता है, क्ले में होते हैं, रंध्र मतलब छिद्र। नेक्स्ट देखेंगे, मृदाकार प्रोफाइल में कौन सा कार्बनिक स्थित है, ओ। झीलों के जल में कार्बनिक सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है, अपवाह जल द्वारा, किस द्वारा, अपवाह जल। जिंक सल्फेट में सामान्यता किस पदार्थ यौगिक मिलाकर की जाती है, मैग्नीशियम सल्फेट मिलाकर की जाती है। ओके, फर्टिगेशन का सर्वाधिक उपयोग यानी कि प्रयोग किस देश में होता है, इसराइल में होता है। ओके, इसराइल याद रखेंगे, इसराइल है। इसको देखेंगे, उर्वरक आदेश का कब पारित हुआ, 1957, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अगर आपके पास सेवा नोट्स हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए 2000 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। फलदार वृक्षों में उर्वरकों का प्रयोग किस विधि द्वारा होता है, अधोसंस्थान विधि। विश्व में पोटेशियम भंडार कितना है, 98 अरब मीट्रिक टन। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे हम इसको, धीरे धीरे नहीं पढ़ाना है। तो वही देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक फास्फोरस सर्वाधिक किस यौगिक के रूप में होता है, किसके, फाइटिन के रूप में होता है, और ये कितना था इसमें, 98 मीट्रिक टन, और अधोसंस्थान विधि। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं हम, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे इससे टाइम कम लगे, आपको क्वेश्चन अधिक हो जाएँ। ये 150 क्वेश्चन है, 153 में दिख रहे हैं ना, नम क्षेत्रों की मृदाओं में अधिकांश गंधक किस रूप में होता है,
कार्बनिक के रूप में होता है। किस रूप में? कार्बनिक के। नेक्स्ट देखेंगे तिलहन फसलों के लिए एनपीके की खुराक कितनी है, 3:2:1 एनपीके। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट उर्वरक की समान अम्लता है कितनी है, 110। जैव उर्वरक के रूप में माने जाने वाली खाद है कौन सी है, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में मानी वाली खाद। और जिंक सल्फेट में कितना प्रतिशत जस्ता होता है, कितना होता है, 21%। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन पौधों के लिए अनिवार्यता की पुष्टि किसने की, डी सौसद ने। पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता निर्धारित करने का सिद्धांत प्रतिदिन किया किसने किया, आर्नन ने किया 1954 में। ये देखेंगे नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल संयंत्र से कितने ppm सल्फाई ऑक्साइड निकलती है, कितनी निकलती है, 100 से 3000 ppm। नेक्स्ट देखेंगे पेयजल में नाइट्रेट के अधिक से शिशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, कितना होता है, मेट हीमोग्लोमोनिया। ओके हीमोग्लोमोनिया। ओके औषधीय उद्योग से उत्पन्न मुख्य प्रदूषक रसायन कौन सा है, आर्सेनिक। कांच उद्योग में प्रमुख प्रदूषण तत्व कौन सा है, बोरॉन। नेक्स्ट देखेंगे बैटसी यानी बैटरी है, बैटरी उद्योग में प्रमुख प्रदूषित लेड। क्लोरापेटाइट का ट्रेड नाम क्या है, रॉक फास्फेट। भूमिगत जल में सर्वाधिक प्रदूषण किस प्रमुख तत्व की कमी से होता है, नाइट्रोजन की कमी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन गैस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट देखेंगे उजोला किस नीले सेवल का कवक कैसा है, एनावीना का। जल्दी देखेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। ओके राइजोबियम हेतु उपयुक्त तो पीएच कितना होता है, 5.5 से 7.0। नाइट्रीकरण किन किन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ग्रास टिटैनी व्याधि किसकी कमी से होती है, किसकी, वो मैग्नीशियम की कमी से होती है। ठीक है जल्दी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को ताकि सभी लोग पास हो जाएं। नींबू में कैंकर रोग किस निदान या किस घोल के छिड़कने से किया जाता है, कॉपर सल्फेट के। नेक्स्ट देखें फॉस्फोरस का प्राकृतिक स्रोत क्या है, क्या है, रॉक फॉस्फेट। सिंचाई जल में कौन सा पोषक तत्व होता है, मैग्नीशियम होता है। चूने में कौन सा पोषक तत्व होता है, कैल्शियम होता है, सिंचाई जल में मैग्नीशियम। और ये पाइराइट में कौन से पादप पोषक तत्व होते हैं, आयरन एफी सल्फर। EDTA का पूरा नाम क्या है, इथाइलीन डाई अमीन टेट्राइसिस्टिक एसिड। ओके याद रखेंगे इसको, हम लिख देंगे, वाटर मार्क लगा देंगे। गोबर की खाद में नाइट्रोजन की खास मुख्यतः किस रूप में होती है, किसके, अमोनियम के रूप में होती है गोबर की खाद में। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हड्डी के चूरा में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है, कितना होता है, 20 से 25। नेक्स्ट देखेंगे वायु उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन स्माइड के रूप में मिलता है क्या होता है, यूरिया। अमोनिया सल्फेट को निम्न में से किसके साथ नहीं मिलाया, बोरिक स्लैग के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट निम्न में से कौन नहीं मिलाया जाना चाहिए, अमोनियम सल्फेट। कौन नहीं मिलाना चाहिए, अमोनियम सल्फेट। दोस्तों हम एक एक ऑप्शन ही लाएँ ताकि आप लोग भूले नहीं और अच्छे से पेपर जाएं। और निम्न में से किस कार्य के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार नहीं है, स्टार्च को बढ़ाने में नाइट्रोजन जिम्मेदार नहीं है। नाइट्रोजन की कमी से पौधे में कौन सी उत्पन्न होती, कीट लगना, कीट यानी कि कीड़े मकोड़े लगना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं, 1 हेक्टेयर फुट मृदा में कितनी क्विंटल मृदा होती, कितनी होती, 20 लाख। और एक अनाजों व दलहनी फसलों में रिक्लेमेशन व्याधि किस रूप में के कमी कारण होती, किसकी कमी कारण होती, कॉपर की। नेक्स्ट देखेंगे भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। भूपपड़ी मतलब
जब पानी बरसता है तो कहीं कहीं इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पपड़ी सी बन जाती है, आप लोग देखते होंगे, तो उसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन पाया भू पपड़ी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ओके, ये रिपीट हो गया। अमोनियम को नाइट्राइड में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव होता है, क्या होता है? नाइट्रोमोनास, ये परिवर्तित करने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से सूत्र में सर्वाधिक पोटाश होता है, किसमें होता है? भेड़ के मूत्र में। ओके, भेड़ के मूत्र में सर्वाधिक पोटाश, याद रखेंगे। BAM का पूर्ण नाम लिखिए, वेसिकुलर आर्बुसेलर माइसिन, ये आप लोग देख लेंगे गूगल पे। ओके, ये अभी सही नहीं लिखा है, मैं देख नहीं पाया, तो मैं पैसे ही सही कर रहा हूँ, ये कमेंट में डाल देंगे। ओके, कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में डाल दूँगा। समाकलित पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है क्या? रासायनिक उर्वरक कार्बनिक खाद या संयुक्त पर्याप्त? हरित क्रांति के फलस्वरूप मृदा हानि प्रभाव क्या हुआ? पोषक तत्वों में असंतुलन हो गया था। विगत देशों में उर्वरकों के अधिक प्रयोगों से मृदा में दुष्प्रभाव हुआ, जैविक कार्बन में कमी हुई थी। सन 2025 तक उत्पादन लक्ष्य हासिल करना होगा 300 मिलियन टन। रासायनिक उर्वरकों के रूप में मृदा कौन सी होती है? मृदा। लवणीय और क्षारीय मृदाओं में कौन से प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, जहाँ हमारी यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश। अम्लीय मृदा का सुधार किससे करते हैं? चूना से करते हैं। दोस्तों, चूना हाइट बढ़ाने में भी मदद करता है, याद रखना। कौन सी एक फसल अधिक लवण सहिष्णु नहीं है? कौन सी? मूंग। मृदा में यूरिया डालने पर वह परिवर्तित होता है अमोनियम कार्बोनेट में। ओके, ये अमोनियम कार्बोनेट देख लेंगे। भारत में तराई मृदाओं का कुल क्षेत्रफल 5 से 7 मिलियन। पेट मृदाओं प्रकार की होती हैं, अम्लीय होती हैं। भारत में लाल मृदाओं का प्रकोप 5.1 मिलियन। और दोस्तों, जब हमारे पेपर होंगे, हम लाइव क्लासेस चलाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लाइव क्लासेस में आपको 2000 क्वेश्चंस लेके आए हैं, हमने PDF तैयार की है, उसी टाइम पे आपको लाइव दे दी जाएंगी। ओके, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में गतिशील है? नाइट्रोजन। मृदा की किस pH पर सबसे अधिक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होता है? 6.5 से 7.5। ये देखें, अधिकांश कृषि योग्य मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा होती कितनी? 0 से 0.2 से 0.10%। ओके, याद रखेंगे, ये देख लेंगे, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय कारक मृदा निर्माण के पैतृक पदार्थ? मृदा में pH का निर्धारण कैसे करते हैं? हाइड्रोइलेक्ट्रिक द्वारा, गिलास इलेक्ट्रिक द्वारा, निर्माणिक प्रत्यारोपण द्वारा। ओके, ये तीन ऑप्शन याद कर लेंगे, हम इनको हटा देते हैं ऐसे, आप देख लो, तीनों ऑप्शन याद कर लेने आपको। ये नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी मृदा सबसे अधिक उर्वरकों होती है? क्ले। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा जल्दी लगा तो आप स्लो करके पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये सही नहीं लग रहा मुझे, हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे बाइट कैसा रहेगा। ये 5 ठीक नहीं रहेगा, दूसरा कलर उठा लेते हैं। पीला ठीक है। ओके, ये पहला। किस पोषक तत्व की कमी से फल व बीज का निर्माण सही ढंग से नहीं होता? फास्फोरस की कमी से। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर, आप जाएंगे हमारे कम्युनिटी बॉक्स में जाएंगे, उसमें मैंने एक फ़ोटो शेयर कर रखी है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो प्रभाव रहता है पौधे पर, उसको मैंने दर्शाया है, तो आप लोग देख लेंगे, कम्युनिटी बॉक्स में ज़रूर जाइएगा मेरे। निम्न में से कौन
लोहा प्रभाव सूचक का संवेदनशील पौधा कौन है? नींबू। बोरोन प्रभाव सूचक में से कौन सा है? नारापति। जस्ता संवेदनशील पौधा निम्न में से किसका है? आड़ू का है। ओके, नील आधे सवाल से धान के उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? 10 से 24। निम्न में से कौन तीव्र गति से बैठने वाला राइजोबियम है? कौन सा है? ब्रडी राइजोबियम। कैल्साइट का सूत्र क्या? CaCO3। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, CaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इनमें से किस कार्य के लिए पोटेशियम जिम्मेदार नहीं है? फसल बढ़ने की अवधि बढ़ाना। ओके, फसल बढ़ने की, फसल जो बढ़ती है वो उसका टाइम बढ़ जाता है, अपने टाइम से नहीं बढ़ती है, वो लेट हो जाती है, तो उसमें पोटेशियम जिम्मेदार नहीं है। इनमें से कौन फास्फोरस के रूप में नहीं है? कौन नहीं है? ट्राईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट जो है फास्फोरस के रूप में नहीं है। वे सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ क्षेत्रों को मतलब दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं कहलाते, क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। अम्लीय भूमि में भूमि सुधारक के रूप में प्रमुख होता है कौन होता है? हरी खाद। अम्लीय जो भूमि उसमें हरी खाद डालनी पड़ती है। तिलहन फसलों में 3% को बढ़ाने में सहायता पोषक तत्व तो कौन सा है? सल्फर। ये अम्लीय और अम्ल और क्षार में अंतर अगर आपको बताया तो ठीक है, नहीं अभी मैं आपको बता देता हूँ। पौधों में जल की मात्रा का कम होना किस पोषक तत्व की कमी कारण दर्शाता है? जिंक की कमी। ओके, कौन सा पोषक तत्व इसको निकाल लेते हैं, कौन सा पोषक तत्व पौधे में प्रोकैरियोटिक नहीं रोग संश्लेषण में सहायक कौन सा है? जिंक। तो दोस्तों 5 पॉइंट तक अम्लीय होता है जो कुछ भी हो, और 5 पॉइंट से ऊपर जाने पर ये क्षारीय हो जाता है। ये अधिकतर दूध में देखा गया है, क्षारीय होता है जो 6 पॉइंट पे आता है, अम्लीय होता है वो 5 पॉइंट पर होता है। ओके, 5 से नीचे ओके, और ये 5 से ऊपर 6 तक जाता है तो ये क्षारीय हो जाएगा, और 5 तक जाता है तो अम्लीय हो जाएगा। ओके, फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, 5 से कम होता है क्या? अम्ल, और 5 से अधिक क्या होता है? क्षार, मतलब क्षारीय, ये होता है अम्लीय। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जलोढ़ मृदाओं में अधिकतम होता क्या होता है? पोटाश, फास्फोरस और चूना। USDA का मृदा वर्गीकरण में अनुसार सिल्ट कण का आकार व्यास होता है कितना होता है? 0.5 से 0.2। हल्के रंग वाली मृदाओं में लोहा और मैग्नीज होता है क्या? कम होता है हल्के रंग वाली। मृदा प्रोफाइल में कौन सा संस्तर नहीं होता है? कौन सा? इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं होता है, उस गलत कर लिया गौरव भाई ने। गौरव भाई, इट्स योर मिस्टेक, इसको सही करेंगे कमेंट में। इसमें क्या था ऑप्शन में? ए, तीनों ऑप्शन 17 के कमेंट में डाल देने। सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है किले चिकनी मिट्टी में। इनमें कौन सा उर्वरक पानी में घुलनशील अघुलनशील है? सिंगल ट्राई कैल्शियम, ट्रिपल सुपरफॉस्फेट। ये सिंगल डबल ट्रिपल होते हैं, यानी कि डबल ट्रिपल होते हैं, लेकिन ये सिंगल ही है। इसमें मृदा में भारत का क्षेत्रफल सबसे अधिक कौन सी मृदा में? जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक है। कार्बनिक खादों से किस गैस का सर्वाधिक आस होता है? अमोनिया गैस का। ओके, फिर से बदल लेते हैं इसको। गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 2.0 से 2.4।
शहरी कंपोस्ट में फास्फोरस कितने प्रतिशत पाया जाता है? 1% पाया जाता है। शहरी कंपोस्ट ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए हम ग्रामीण करते हैं। प्रायः जैविक खाद में डाला जाता है, क्या डाला जाता है? रॉक फास्फेट। जैविक खाद में क्या डाला जाता है? रॉक फास्फेट। और नेक्स्ट देखेंगे, सनाई ढांचा कितने क्लिक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर की जा सकती है? 75 से 80।